Hi guys, welcome to my channel Life with Aura. Welcome to a new video. आज के इस वीडियो में मैं L'Oreal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Range का रिव्यू करने वाली हूँ. मैंने ये नायका से ऑर्डर किया है. इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं. क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, एक्चुअली में काम करता भी है या नहीं, उसकी मैं रिव्यू आज देने वाली हूँ. तो हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले. तो मैंने डब्बा पहले ही काट दिया था बॉक्स को. तो ओके, तो तीन प्रोडक्ट्स मुझे इसमें रिसीव हुई है. ये L'Oreal Paris Revitalift Hyaluronic Acid की रेंज है. इसमें तीन प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको बताया क्या क्या है. पहला प्रोडक्ट है ये क्लेंजर. ये है इसकी पैकेजिंग. L'Oreal Paris Innovation RHA Hydrating Gel Cleanser है. 50 ml की बॉटल है. ये जेंटल क्लेंजेस करती है आपके स्किन को, हाइड्रेट करती है प्लम्पी स्किन को. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. अल्ट्रा फाइन फोम पेनिट्रेट करता है ये आपके पोर्स को, क्योंकि बहुत स्मूथ कर देता है. और क्लेंजेस विदाउट ड्राइंग. तो ये है क्लेंजर. सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है वो है आपका सीरम. 1.5% हाइलोरोनिक एसिड सीरम. डीपली हाइड्रेटेड है. ये प्लम्पी स्किन को दूर करता है. ये है इसकी पैकेजिंग. ये शायद आपका ओके 15 ml की ये सीरम है. ऐसी है सीरम. और थर्ड वाला जो है वो क्रीम है. जेल टेक्सचर ट्रांसलूसेंट है. पर्ली एक टेक्सचर है इसका और सॉफ्ट स्मूथ स्किन देता है. आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं. एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है. इसको सर्कुलर मोशन में यूज़ करना पड़ता है ताकि आपकी स्किन को ये एब्जॉर्ब कर जाए. तीन स्टेप है ये हाइलोरोनिक. आपके स्किन में नेचुरली हाइलोरोनिक एसिड रहता है. इसको और ये बूस्टअप करता है. इसमें ऑलरेडी हाइलोरोनिक एसिड है. तो आफ्टर 30s जब आपके हाइलोरोनिक एसिड स्किन से रिड्यूस होती रहती है तो ये आपके स्किन में हाइलोरोनिक एसिड को इंक्रीज करता है ताकि आपकी स्किन टेक्सचर, आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ रहे. एंटी एजिंग के लिए काम करता है. जल्दी रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं. तो कैसी है ये पैकेजिंग अब हम लोग खोल कर देख लेते हैं. ये क्लेंजर है. तो ओके, ट्रांसलूसेंट इन कलर है. तो ये क्लेंस करता है आपके स्किन को अच्छे से. ये देखिए फोमी टेक्सचर दे रहा है. तो इसको आप दिन में दो बार अच्छे से अपने फेस को क्लेंजिंग कर लीजिएगा, पानी से अप्लाई कर लीजिएगा. ये मैंने अभी आपको जस्ट हाथ में स्वॉश करके दिखाया है. बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है. ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है इसका. हाँ, बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है. सेकेंड जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया 1.5% हाइलोरोनिक एसिड सीरम. ये क्लेंजिंग अच्छे से आपके फेस को क्लेंजिंग करने के बाद आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा. ये सीरम है, लाइट वेटेड है. तो खोल के देख लेते हैं हम लोग. ओके, 15 ml की बॉटल है. ऐसी है ये बॉटल. बहुत अच्छी सीरम है. ओके, दो तीन ड्रॉप, दो ड्रॉप मैं लेती हूँ. बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है. मुझे काफ़ी पसंद है. ज़्यादा फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट मुझे अच्छे नहीं लगते हैं. तो ऑलरेडी ये मेरे स्किन को स्मूदन कर रहा है बहुत अच्छे से. सी गाइस, एक ड्यूवी फिनिश भी दे रहा है आपके स्किन को. तो ये जो है ये सीरम आप लोग यूज़ कर सकते हैं. इसकी बड़ी बॉटल भी आती है इस रेंज में. ये तीन एक 50 ml
एक 15 ml, और ये दूसरी वाली सॉरी तीसरी वाली जो है वो भी 15 ml की है इस रेंज में। ये कुछ मुझे शायद सेल पे 999 का पड़ा था, मतलब 1000 rupees का पड़ा था। लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है आपका क्रीम, खोल के देख लेते हैं। तो ये है इसकी बॉक्सिंग, क्रीम हम लोग देख लेते हैं। वाव, तुम क्यूट पैकेजिंग है, बहुत सुंदर बॉटल है इसकी। तो यहाँ पर लिखा है प्लम्पिंग डे क्रीम, सॉफ्ट स्मूथ स्किन देता है। तो ओपन करके देख लेते हैं, ये है टेक्सचर, माइल्ड फ्रेग्रेंस है। तो ये पर्ली शाइन फिनिश है इसका, देखिए लगाते साथ ही आपका स्किन जो है एकदम ड्यूई फिनिश देता है। तो मेकअप रिमूव करने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और ना डेली बेसिस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, डिमांडिंग है। अभी मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं इसके, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये एकदम भी मतलब क्रुएल्टी फ्री है स्किन पे, आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा बल्कि बूस्टअप करेगा। हाँ, काफ़ी अच्छी लाइट वेटेड है ये। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। हाइलुरोनिक एसिड रेंज में ये तीनों, एक क्लेंजर, सीरम और ये डे क्रीम। तो ये सारी प्रोडक्ट्स है, ये एक रेंज में आती है, नायका में आपको मिल जाएगी, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि कभी भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफाइड हो जाए। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, स्किप कर जाते हैं, तो प्रोडक्ट का फुल रिव्यू आप लोगों को मिल नहीं पाता है। प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको और नॉलेज मिल पाए। मैं स्टिल लर्न कर रही हूँ, और मैं जो भी गलतियाँ मैं करती हूँ उसी से सीख के आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल पाए। कुछ ही दिनों में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं और शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड लव। थैंक यू गाइज, बाय।